हाय सभी, कैसे हो? मेरा नाम ममता है। मैं आज एक हमारा इंडियन ड्रिंक बनाने, जो हम राब बोलते हैं, जिसको वार्म विंटर ड्रिंक होता है, उसके बारे में मैं बताना चाहती थी। पर वो ये मैं जो बना रही हूँ वो एक प्रीमिक्स है। जैसे हम इंडिया में अभी कैसे पोहा मिक्स हो गया है, या चिवड़ा, जैसे हम यू नो चिवड़े के जैसे पोहा बनाते हैं, या उपमा मिक्स बन गया है, जो हम पहले से प्री मिक्स बना के रखते हैं और जब चाहिए तब हम थोड़ा सा लेके बना लेते हैं। अभी मैंने जो वर्जन बिना बनाया है वो मेरे कन्वीनियंट मुझे विचार आया शेयर करने का आप सभी के साथ, क्योंकि मैं ये इतने साल से विंटर आने के पहले मैं ये प्री मिक्स बना के हमेशा यूज़ करती थी। मुझे पता नहीं था कि ये कुछ शेयर करने जैसी बात है, पर जितना मैंने सोचा इस बारे में कि हाँ, अगर मुझे ही काम आता है तो दूसरों को भी काम आ सकता है ना, खासकर विंटर में, जहाँ भी ज़्यादा सर्दी हो, जहाँ भी ज़्यादा कोल्ड रहता है उधर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर रोज़ रोज़ करने का, कभी अभी तो बहुत सारी वर्किंग वुमेन भी है तो चाहिए तो अपने बच्चों के लिए उनके उनके टिफ़िन में पैक करके छोटे से थर्मस में दे सकते हैं। हस्बैंड जा रहे तो, या हस्बैंड है, भाई है, पापा है, उनके लिए छोटे छोटे थर्मसेस में भी बना के भेज सकते हैं। और नहीं तो वो खाली ड्राई मिक्स ही है जो आप ऐसे जिपलॉक में भी बना के रख सकते हैं। आपके बैकपैक में है, बच्चों के बैकपैक में, हस्बैंड के बैकपैक में, भाई बहन सबके, डैडी सबके दे सकते हैं, उनके जॉब पे वो लेके जा सकते हैं, कॉलेज में, या जो बैचलर होते हैं, जो हमारे जो किड्स होते हैं जो बाहर गांव आउट ऑफ टाउन जो पढ़ाई या जॉब करने के लिए जाते हैं, तो जब वो आए तो हम ये सब प्री मिक्स बना के दे सकते हैं, जाके वो जब वो घर पहुँचे उधर डॉर्मेटरी में या कहीं, तो वो बना के अपना, खाली इसमें खाली गर्म पानी डालने का है बस, ये उस इस रेसिपी में। ये रेसिपी को बोलते हैं राब। हम गुजराती में हम राब बोलते हैं, ऑल्दो हम मुझे पता है कि हमारे हर जगह पे हर एक स्टेट में अलग अलग इसका वर्जन होता है और हर घर में अलग वर्जन होता है। मेरी मॉम बहुत ही ट्रेडिशनल वे से बनाती थी, जो एकदम ज़्यादा गाढ़ा था और उसमें बहुत सारी चीज़ें डालती थी मम्मी, तर्ज, लविंग, ये वो बड़ी सोप जिसको बोलते हैं, यार बड़ियारी जिसको बोलते हैं, जो मुखवास हमको मिलता है आफ्टर, जो हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं उसके बाद जो हमको जो मुखवास मिलता है खाने को, उसमें से वो जो बड़ियारी होती है ना, वो भी मम्मी डालती थी कूट के, तर्ज, लविंग, ये यू नो खड़ा मसाला, ऐसे सब डालती थी मेरी मम्मी इसमें। बट मेनली ये रेसिपी जो मेरा वर्जन है बहुत सिंपल है। मैं मेरी मम्मी का भी रेसिपी एक दिन शेयर करूँगी सभी के साथ। पहले मुझे मेरी फैमिली को देना है, जो आ रही जो प्रेजेंट पीढ़ी है, जिसको मेरी मम्मी, जिसने मेरी मम्मी की मम्मी का खाना चखा नहीं है, उनके लिए मुझे पहले ये रेसिपी शेयर कर लेनी है, बाद में मैं दुनिया के साथ शेयर करूँगी जो मेरी मम्मी का वर्जन है। पर जो मेरा वर्जन है बहुत ही सिंपल, बेसिक है और टू द पॉइंट, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो हम वर्किंग, जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए बहुत, या जो वर्किंग ह्यूमंस है कोई भी, जो तो उनके लिए बहुत ही ऑन द गो चीज़ है कि कहीं भी, तो अगर आपको कहीं गर्म पानी, मतलब आई डोंट नो इंडिया में कहाँ गर्म पानी मिलता होगा ऑन द वे में, बट आई गेस आई डोंट नो, बट मे बी चाय वाले के पास गर्म पानी मिल सकता है, अगर आप बताए उनको बोले तो शायद गर्म करके देंगे थोड़े पैसे के लिए। पर यहाँ यूएस में तो हम हर गैस स्टेशन पे आपको गर्म पानी मिल जाता है, वो भी फ्री में, आपके आपके पास आपका फ्लास्क हो, और अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो यहाँ आपको 10-26 सेंट्स कुछ में आपको खाली ग्लास का पैसा चार्ज करते, गर्म पानी का नहीं करते। तो ऑन द गो बहुत ही काम होता है, जब आप लॉन्ग ड्राइव, यू नो बाहर ड्राइव, समझो कि 4-5 घंटे का ड्राइव है या लॉन्गर ड्राइव है, तो बहुत काम आता है, या आप आउट ऑफ टाउन पिकनिक के लिए जा रहे हैं या कुछ भी, तो यू नो ठंडी में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट एक मिक्स रहता है जो हम हमेशा मैं तो फ्लास्क तो हमेशा कैरी करती हूँ, पर और कार में भी रख सकते हैं, तो आप चाहिए तो कार में रखिए, जॉब पे रहिए रखिए, आपके ड्रॉअर में, या सब फ्रेंड्स इकट्ठा मिलके भी शेयर कर सकते हैं, एक यू नो ऐसे जार में स्टोर करके घर में बर्नी में डाल के, हम चाय पत्ती के साथ इसका भी जगह बना के
यू नो जैसे हम चाय मसाला रखते हैं ऐसे ये राब मसाला भी रख सकते हैं आप. तो एनी वे तो मेरा जो सिंपल वर्जन है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, मैं विंटर आने के पहले बना के भी रखती हूँ और मैं हमेशा कैरी भी करके जस्ट इन केस में जो शिफ्ट काम करना है तो इसीलिए मैं वो मेरे बैकपैक में भी हमेशा रहता ही है क्योंकि मुझे वो बॉडी का वार्म्थ रखने के यू नो विंटर्स के लिए खास कर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. तो एनीवे मेरा सबसे फेवरेट बाजरे का आटा ये है, इसमें जलपुर करके नाम का है, मैंने इसे सुना है कहीं तो कि ये ज़्यादा बेहतर है मतलब गुड बेटर क्वालिटी का रहता है करके, तो मैं हमेशा ये बाय करती हूँ और इसको मैं हल्के ताप से ये कर लेती हूँ क्या बोलते हैं सेक लेते हैं. इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि उसमें आप गर्म हॉट वाटर भी डालने वाले हैं, गर्म पानी भी डालने वाले हैं इसमें, हॉट नहीं तो वार्म जो भी आपको ठीक लगे. पर बाजरे को ज़्यादा कुकिंग करने की गरज नहीं रहता है. हम लोग एक एक्चुअली गुजराती लोग में एक गुजराती आई डोंट नो दूसरे में है कि नहीं, तो गुजराती लोग में एक डिज़र्ट बनता है जो गुड़ घी और ये बाजरे का आटा उससे बनती है, कुलेर करके हम लोग में बनाते हैं यू नो डिज़र्ट की जैसे. तो बाजरे को इतना कुक कर इसमें इस रेसिपी में बाजरे को ज़्यादा कुक करने का गरज नहीं की ज़रूरत नहीं है. लाइटली आपको उसको रोस्ट कर लेना है और कभी कभार तो मेरी एक फ्रेंड को मैंने एक टाइम बताया था कि तुम्हें अगर कंटाला आता है अगर तुमको सेक के नहीं रखना है और तो ऐसे ही प्लेन ये रखिए आप बाजरे का आटा, ये प्रीमिक्स में सबसे पहले डालिए बॉटम में, सेकना नहीं है तो हाँ माइक्रोवेव में कुछ भी मत डालना इसमें से क्योंकि ये सब न्यूट्रिशन के लिए किया जा रहा है ताकि आपको आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा विंटर में ये पीने से और न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण हम पी रहे हैं और बॉडी को गर्मी भी नेचुरल गर्मी भी मिलेगी इसीलिए है. तो माइक्रोवेव में तो बिल्कुल ये रेसिपी माइक्रोवेव में बिल्कुल मत डालना प्लीज़. हाँ पर वो अगर आपको गर्म पानी कहीं नहीं मिल रहा है माइक्रोवेव में गर्म पानी करना पड़े तो आई गेस इट्स ओके आई इन दैट सिचुएशन. पर खाली गर्म पानी ये प्रीमिक्स को मत डालना उसमें माइक्रोवेव में उसका सब तत्व मर जाएगा तो प्लीज़ ये बी अवेयर ऑफ दैट. और गुड़ है अपना इंडियन गुड़ है कोई भी तरह का लीजिए आप, देखो यहाँ कोई भी गुड़ चलेगा. मैं मुझे ये वाला पसंद है इसलिए मैंने ये वाला लिया है बट आप कोई भी ले सकते हैं कोई भी वर्जन गुड़ का ले सकते हैं. यहाँ US में तो कोई लोग ब्राउन शुगर भी यूज़ करते हैं एंड दैट्स फाइन टू कोई और दो. मुझे इंडिया का गुड़ ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें मुझे पता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है करके आयरन एंड ऑल दैट. बट एनीवे जो भी आपको कन्वीनियंट है वैसे किए, खाली शक्कर मत डालना गुड़ ही लेना प्लीज़. और उसमें फिर आप चाहिए तो मैं ये डालती हूँ जिंजर पाउडर है जिंजर पाउडर है ये हमेशा रखती हूँ विंटर में तो ये थोड़ा सा डालती हूँ. फिर हल्दी डालती हूँ उसमें कोई भी ब्रांड का हल्दी हो चलेगा जस्ट हल्दी डालना है. और अगर आपके पास अगर ये देखो मैंने प्रीमिक्स ऐसे बना के रखा है और उसमें अगर आपको चाहिए तो इलायची है, नटमेग है, क्या बोलते हैं जायफल है, सिनेमन है, तेज पत्ता है, ऐसे सब कोई लोग डालते हैं. मैं इस प्रीमिक्स में नहीं डालती, मैं बस 4-5 चीज़ें ही डालती हूँ, गुड़ है, बाजरा है, हल्दी है और जिंजर पाउडर है, इतना सिंपल मैं रखती हूँ. हाँ जब घर पे होती हूँ और घर में जिंजर है, अगर मैं भूल गई हूँ लाना जिंजर और नहीं है जिंजर तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर है तो जिंजर तो आप जिंजर ग्रेट करके नहीं तो उसको कूट के डाल सकते हैं, फिर लेटर ऑन फिश आउट निकाल के आप दाल में या किसी में दाल में भाजी में डाल सकते हैं वही जिंजर को, फेंकना नहीं. जिंजर बहुत इम्पोर्टेंट और उसमें बहुत तत्व रहता है तो उसको कूट के किसी भी दाल में इसमें उसमें डाल दीजिए भाजी में या दाल में और चलेगा, फेंकना मत. और बट बेसिकली आप जिंजर थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें जब ताज़ा बनाते हैं घर में ये प्रीमिक्स में से ही है जब आप एक छोटा सा बैच बनाते हैं, पर जो ऑन द गो में है उसको खाली ड्राई ही रखना है ऐसे कोई भी कंटेनर में, कांच के कंटेनर में है या कांच की बॉटल में है या जिपलॉक बैग में है. ऐसे जैसे मैंने जिपलॉक बैग में देखो मैं वर्क के लिए ऐसे कैरी करके हमेशा रखती ही हूँ मेरे खुद के लिए ऑन द गो चलता है मुझे ऐसे बैग पैक में रखती हूँ या कार में रखती हूँ जॉब पे रखती हूँ चलता है. सो एनी वे तो आई होप आपको और ये है
लविंग का बुक का है तो वो कभी कभार डालती हूँ, फिर मैं हर मेरे मेन जो मिक्स प्री मिक्स है जो मेरा, उसमें मैं ये सब नहीं डालती, मैं खाली चार चीज़ें रखती हूँ, बहुत ही सिंपल रखती हूँ। और मुझे एक्चुअली बहुत घट्ट घट्ट करके नहीं रखना है, मुझे घट्ट पीना अच्छा नहीं लगता, घट्ट मैं पीती हूँ वो स्नैक की तरह जब मेरी मम्मी बनाती थी तब। अभी मेरा वर्जन बहुत ही सिंपलर है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रोज पीती हूँ ये गुड़ वाला। तो एक्चुअली दिखने में ऐसा होता है, ये देखो ऑलमोस्ट ऐसा होता है मेरा, मुझे थिक वर्जन अच्छा नहीं लगता है हमेशा रोज रोज। और एक है मैं ऐसे ही जस्ट मुझे कप में अच्छा लगता है और ऐसे पी लेती हूँ मैं फिर बस चाय के जैसे, और बहुत ही सिंपल और लाइट रखती हूँ, बहुत हैवी नहीं कर डालती हूँ मैं, पर बेसिकली सब न्यूट्रिशन आया गया और आपको बॉडी हीट मिल रहा है, और गुड़ है इसमें, जिंजर पाउडर है, हल्दी है, और बाजरे का आटा है। और ये बाजरे का आटा अगर समझो कि आप अंदाजे से अगर आप 6 लोग के लिए बना रहे हैं तो 1 1 to 2 टेबल स्पून काफ़ी हो जाता है। और इसी प्रीमिक्स का दूसरा एक मुझे आपको आइडियाज देने थे, इस प्रीमिक्स से मैं और भी क्या करती हूँ ना, कभी कभार मुझे लिक्विड पीने का कंटाला आता है कि ये रोज़ रोज़ मुझे लिक्विड नहीं पीना है, तो इसी वर्जन के लिए मैं क्या करती हूँ ना कि मैं जो आटा का प्रीमिक्स मैंने जो बनाया है इसी से मैं शीरा बना लेती हूँ। मतलब कि इस प्री मिक्स में मैंने घी नहीं डाला है। आई अंडरस्टैंड हमारे इंडिया में हम घी डालते हैं और अच्छा होता है, तबीयत के लिए घी बहुत ही अच्छा होता है, ये सब मैं जानती हूँ, पर जो मैं ऑन द गो जो प्री मिक्स मेरा है या जो स्टोर करके रखती हूँ उसमें मैं मुझे घी नहीं डालना है क्योंकि मुझे उसका खोरानेस हो जाने का या बिगड़ने का डर रहता है। डर खाली डर के कारण नहीं, पर मुझे कैलोरीज और ये सब भी बहुत केयरफुल रहना कि कितनी कैलोरीज मैं खा रही हूँ करके, और उसका वो चिपचिपा जो घी का चिपचिपापन होता है मुझे रोज रोज अच्छा नहीं लगता है, कभी कभार ठीक है बट रोज रोज नहीं नहीं चाहिए मुझे। सो एनीवे तो उसमें मैं क्या करती हूँ ना कि जब मैं घर होती हूँ तो मैं थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा ही सेक के फिर उसका शीरा जैसा बना लेती हूँ, एंड इट बिकम्स रियली नाइस। तो फिर वो पीना नहीं है, फिर वो खाना है स्पून से और बोल में लेके खाना है शीरा के जैसे, तो मैं कभी कभार ऐसे कर लेती हूँ। तो मुझे लगा ये बात मैं आपको शेयर करूँ कि मैं उसको इसी प्री मिक्स को मैं शीरा के जैसे कन्वर्ट कर लेती हूँ, और मैंने जो बनाया है बाजरे के आटे का है। आप चाहिए तो ये मैं जो बचपन में हम जो खाते थे मेरी मॉम के वहाँ, तो मेरी मॉम के वहाँ हम गेहूं के आटे का होता था, बाजरे का यूजली बाजरे का आटे का नहीं राब बनता था घर में, यूजली गेहूं के आटे का होता था बिकॉज दैट्स व्हाट हम लोग को ज़्यादा वो पसंद था बचपन में। पर जैसे जैसे मैं ग्रो होने लगी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझे ग्लूटेन का एलर्जी होगा, तो मैं ग्लूटेन अवॉइड करती हूँ यूजली अगर चॉइस हो तो मैं बाजरे का हमेशा रखती हूँ, फिर मेरे को टेंशन नहीं रहता, तो ये एक्चुअली ग्लूटेन फ्री भी हो गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड अभी मैं तो ग्लूटेन फ्री पर्सन हूँ मैं क्या करूँगी, आप आपके लिए ही है ये ग्लूटेन फ्री है तो आपको कोई कोई टेंशन नहीं है, बाजरा विल बी फाइन। और इसमें भी बाजरा ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, मैंने खाली एक दो चुटकी ही डाला है इसमें पाउडर, वो बाजरे का आटा, ज़्यादा ज़्यादा है भी नहीं क्योंकि मुझे वो ज़्यादा हैवी हैवी वर्जन नहीं चाहिए था। मुझे हैवी वर्जन भी मैं कभी कभी करती हूँ पर वो मुझे मैं मुझे वो मूड में होना चाहिए तभी मुझे वो हैवी वर्जन अच्छा लगता है, बिकॉज फिर वो मेरे लिए मेनली मील हो जाता है, लाइक या ब्रेकफास्ट हो जाता है या मेजर लंच हो जाता है, वो हैवी वर्जन है तो, क्योंकि वो एक एक रकाबी और एक कप पी के फिर शांति नहीं होती है। हम तो ऐसे रकाबी में पीते थे, मैं गरम गरम मेरी मम्मी गरम गरम वाटकी जिसको हम बोलते हैं वो पोर करके देती थी हमको, या कप से पोर करके देती थी हमको रकाबी में। और वो हाँ, और हाँ इसमें एक मेन चीज़ बताना रह गया, अजमा का भुक्का है सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। हाँ सो एक्चुअली 5 चीज़ें, देखो मैं भूल गई आजमा निकालने का, पर इसमें अजमा का भुक्का जाता है और मेरे वर्जन में भी है तो ये ज़रूर याद रखना, अजमो जिसको बोलते हैं ना, अजमो या अजमा जो भी बोलते हैं आप, हम गुजराती लोग बोलते हैं अजमो, तो अजमो को सेकने का ज़रूरत नहीं है, उसको खाली कूट के उसका पाउडर जैसा बना के इसमें डालना है और उसका फ्लेवर आपको आएगा पीने में, एंड दैट इज़ द वे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब में। सो बाजरे का आटा, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बाजरे का आटा सेका हुआ या नहीं सेका हुआ आपको जैसा जमे वैसा
गुड़, हल्दी, जिंजर पाउडर और अजमा, पांच चीज़ होनी ही चाहिए इसमें और बहुत अच्छा बनेगा। और फिर अगर आपको, आप घर में हैं और अगर आपके पास टाइम है तो इसमें फ्रेश जिंजर, ताज़ा जिंजर डाल के कूट के कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मस्त लगेगा। और फिर चाहिए तो उसमें से जिंजर आप निकाल सकते हैं, यू नो, छान के निकाल सकते हैं और वो जिंजर आप किसी भाजी में या किसी दाल में डाल सकते हैं इसमें वो वर्जन, और खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होगा। मुझे ऐसा लगता है, आपको, मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा। लेट्स सी, अगर आप बट आप मुझे चाहिए तो आप फीडबैक दे, कमेंट में लिखना अगर आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, ट्राई करके देखना पहले। पर हाँ, अजमा सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इस होल सिचुएशन में। बट एनी वे, आई होप कि आपको, सबको ट्राई करने को चांस मिले। और आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, देखिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना अगर कर सको तो। ओके, बाय सबको। दूसरे टाइम में आपको दूसरी रेसिपीज और ये मेरी मॉम की भी रेसिपी जो है वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं एक्चुअली लिख लूँगी ताकि कुछ रह ना जाए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स तो सब होनी ही चाहिए, वो तो है। ओके, बाय सबको, बाय।